आज मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ, इसके चर्चे आजकल बहुत हो रहे हैं। जी हाँ, ये है रोज़ियर, जिसको लॉन्च किया है गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीस ने। फ्लाइंग बीस का नाम आप सब लोगों ने अच्छे से सुना ही होगा। तो ये उन्होंने एक घी लॉन्च किया है जिस पर वो क्लेम करते हैं कि ये 100% A2 गिरकाव घी है। तो आज इसी का रिव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना बॉक्स खोलते हैं तो उसमें हमें मिलती है एक लैब रिसर्च रिपोर्ट और साथ में हमारा बिल। ये मैंने ऑर्डर करा था 9 अप्रैल को, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था। मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ। अब जो रिपोर्ट मिलती है वो कार्ड फॉर्म में मिलती है, ऐसे पेपर वाली फॉर्म में नहीं मिलती है। पैकेजिंग की बात करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने थर्माकोल ऊपर और नीचे बेस में लगाया है, जिससे कि बॉटल का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ग्लास बॉटल मिलती है तो उसके टूटने का भी डर रहता है। मैं इस घी का कंपैरिजन करने वाली हूँ Nutri.org ब्रांड से, क्योंकि अभी मैं वही वाला घी कंज्यूम करती हूँ और वो भी A2 गाय का ही घी है। बॉटल की बात करें तो बहुत प्यारी इनकी बॉटल है, सिंपल सोबर सी बॉटल है, बाद में मेरे अचार बनाने के भी काम आएगी। यहाँ पे इन्होंने भी एक प्यारी सी छोटी सी एक रस्सी दी है जिसको हम खोलेंगे, साथ में वो जूट का कपड़ा जो मेरे क्राफ्ट में काम आ जाता है बाद में। और यहाँ पे खोलते हैं इस बॉटल को। बॉटल खोलते ही हमें जो दिखता है वो दिखता है काफ़ी दानेदार घी, जो कि बहुत थिक फॉर्म में है। जो मैं Nutri.org का घी यूज़ करती हूँ वो थोड़ा सा मेल्टेड होता है, थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है। आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं तो इसको देखते हैं। आप ढक्कन पे भी देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा थिक फॉर्म में और दानेदार घी है। यहाँ पे ट्राई करते हैं इसका टेस्ट। वैसे मैं कच्चा घी खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे किसी चीज़ में ही डाल के खाना पसंद है। बट क्योंकि गौरव तनेजा खुद भी ये क्लेम करते हैं कि आप इसे अगर कच्चा खाएंगे तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, आज इसको थोड़ा सा कच्चा ही ट्राई करते हैं कि ये कच्चा खाने में कैसा है। मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगी, मैं बहुत थोड़ा सा ट्राई करूँगी, बट हाँ मैंने ये खाने में ट्राई किया है इसका टेस्ट। थोड़ा सा घी ले लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं। जैसे ही मैंने इसको अपने मुंह के अंदर रखा तो मुझे फील हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा दानेदार है, और हाँ ये उस टाइप का है जैसा बचपन में हम खाया करते थे। मैं इसको वैसे कंपेयर करने वाली थी अपनी नानी के हाथ के बनाए हुए घी से, पर लेकिन मुझे लगा कि ये कंपैरिजन सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो गायें जो होती हैं वो होती हैं पहाड़ों पे और वो कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनिक तरीके से पली बड़ी होती हैं, तो इसलिए उस घी का टेस्ट कुछ ज़्यादा अलग होता है और इसका उससे बहुत ज़्यादा अलग है, वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। कई लोगों को लग रहा है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, जबकि मैं अगर Nutri.org के साथ ही मैं इसका फ़िलहाल कंपेयर कर रही हूँ तो वो मुझे पड़ता है 1800 का हाफ लीटर, और ये मुझे पड़ा है 1200 का, क्योंकि उनका लॉन्च ऑफर चल रहा था। वैसे शायद उनका 1300 का इनका हाफ लीटर का प्राइस है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा घी है, और आगे आप खुद भी बताइएगा कि अगर आपने ये ट्राई करा है तो ये आपको कैसा लगा।